मंटो के बाद दूल्हा बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुनील शेट्टी की बेटी से कर रहे हैं शादी। मंटो में एक बेहतरीन किरदार निभाने के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी दूल्हे बने नजर आ रहे हैं। इन दिनों नवाज अपने दूल्हे वाले लुक को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, नवाज अपनी आने वाली फिल्म मोतीचूर चकनाचूर की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें नवाज दूल्हे बने हैं, साथ में एक बच्चा भी है। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी नवाज के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का नाम मोतीचूर चकनाचूर है। फिल्म की शूटिंग सितंबर से लखनऊ में शुरू हो गई है। बता दें कि दिसंबर तक फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया जाएगा। नवाज ने फिल्म के लिए 15 मिनट में ही हाँ कर दिया था। नवाज ने फिल्म के मेकर्स से यह भी कहा था कि फिल्म की शूटिंग को इसी साल निपटा लें। नवाज को फिल्म की मजाकिया स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। फिल्म में दुल्हा और दुल्हन के परिवार के बीच अलग तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में देव मित्र हसन डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। बता दें कि अब तक देव मित्र छोटे पर्दे पर काम कर रहे हैं। राकेश भाटिया फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में शादीशुदा कपल की कहानी है जो उत्तर भारत में रहती है। फिल्म सितंबर में ही फ्लोर पर आने वाली थी। फिल्म के अहम हिस्से की शूटिंग भोपाल में की जाएगी। इसके लिए भोपाल में सेट भी लग चुका है। नवाज अपनी बेहतरीन एक्टिंग और किसी भी किरदार को जीवंत रूप देने के लिए जाने जाते हैं। मंटो में नवाज के किरदार को बेहद सराहना मिली है। नवाज हमेशा ही बेदर अलग किस्म की फिल्में करते हैं। वह अब अपनी अपकमिंग फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में अपने रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं। बता दें, मोतीचूर चकनाचूर अथिया शेट्टी की तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने सूरज पंचोली के साथ हीरो और अर्जुन कपूर के साथ मुबारका में काम किया है। इस बार अथिया नवाज के साथ मैदान में उतरी है, जिसे लेकर वे काफी खुश भी हैं। फिल्म को लेकर नवाज का कहना है कि उन्हें भी गंभीर किरदारों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। साथ ही इस फिल्म में नवाज और अथिया अलग भाषा में बोलते भी नजर आएंगे, जो दर्शकों को काफी पसंद आएगा।